मेरे ग्रैंडफादर का नया फोन आ चुका है फाइनली। जा रहा हूँ अभी मैं मेरे ब्रदर के घर पे। धूप बहुत है इसलिए हमारा जो वेशभूषा था वो पहले की तरह वो सेम था। वैसे प्लान था 9:30 को निकल जाऊंगा। वो तो जो टाइम हम प्लान करते हो टाइम पे कहाँ चीजें होती है, इसी वजह से अभी 12 बजे निकल रहा हूँ। नहीं 12 तो नहीं है, 11:30 के आसपास टाइम है। हमारा पैकिंग हो गया है। क्या मैं कहीं पे भी ट्रैवल करता हूँ मेरे को काफ़ी ज़्यादा चीज़ें लेनी पड़ती है। इधर से घर से कहीं और हमारी करीबी की भी डेस्टिनेशन में जाने के लिए मेरे को काफ़ी ज़्यादा चीज़ें लेनी पड़ती है, तो ये चलता रहता है। एनीवेज गाइस वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। क्यों जा रहा हूँ वो भी आपको बता देता हूँ। मेरे ब्रदर की बर्थडे थी 21st को, उस टाइम पे मैंने विश किया पर जा नहीं पाया, तो अभी जा रहे। मॉम आएगी लेटर और मैं जा रहा हूँ अभी। प्रॉब्लम ये है कि मॉम को आज रात को ही वापस आना है। मैं रहूँगा शायद से, प्लान तो है 1-2 दिन रहने का, देखते हैं क्या सिचुएशन है। जो भी सिचुएशन होगी वो पता चली जाएगी आपको, फन तो होने वाला है। मैं मेरे ब्लॉग में अमूमन आपको पढ़ने की चीज़ें नहीं बताता हूँ क्योंकि मेरे को पता है कि आप एंटरटेनमेंट के लिए आते हो और आते ही आपको पढ़ने के रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें मैं बताने लगा, तो फिर क्या फ़ायदा, एक 15 या 10 मिनट की खुशी तो नहीं मिलेगी आपको। इसी वजह से मेरा मेन पर्पज़ यही होता है कि मैं आपको एंटरटेनमेंट कराऊँ व्लॉग में, आपको एंजॉयमेंट कराऊँ, आपको ऐसे माहौल में ले चलूँ जो आपके लाइफ में भी हो रहे हैं मेरे लाइफ में भी हो रहे हैं। चाबी लाना भूल गया यार, जल्दी जल्दी मैं वापस जा रहा हूँ। कोई स्टडी वगैरह की चीज़ें यहाँ पे बोलता नहीं हूँ आपको, जहाँ तक मेरे को कोई चीज़ स्पेसिफिक लगे कि हाँ ये ऑडियंस को पता होनी चाहिए। पर फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मेरी जब नेक्स्ट कॉलेज है डिग्री के लिए, कौन सी कॉलेज में मेरे को मिला है वो अभी पता नहीं है, बिकॉज वो प्रॉपर प्रोसेस के साथ जाना पड़ता है, वो गवर्नमेंट चलाती है। आप सोच रहे होंगे कि ये इसलिए बता रहा है क्योंकि कॉलेज इसको अच्छी मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे को जो कॉलेज मिलती है उसमें मैं पढ़ने लगता हूँ क्योंकि एट लास्ट तो आपका नॉलेज मैटर करता है राधर देन कॉलेज। ओके चलो चलते हैं भाई, ऑलरेडी बहुत देरी हो गई है। और मेरे को ये भाई बैग मेरे शोल्डर में लग रहा है कुछ प्रॉब्लम हो ना जाए शोल्डर में। मेरा नसीब पिछले 1-2 दिन से ख़राब ही चल रहा है। कल आया बैटरी लाल हो गई थी पूरी, चार्जिंग करने डाला मैंने फ़ोन, चार्जिंग किया तब तक तो ख़त्म ही हो गया था दिन पूरा, व्लॉग नहीं शूट कर पाया। और तो क्या बोलूँ, इट्स नेक्स्ट डे, लैपटॉप थोड़ा स्ट्रगल कर रहा है इसलिए अभी धीरे धीरे हो रही है, रात को आ जाएगा व्लॉग। पर यही है अभी एडिटिंग करना है, तब तक व्लॉग भी शूट करना है थोड़ा, समझ रहे हो। मैच चल रहा है हमारा भाई, दो नए बैट्समैन शिखर धवन श्रेयस अय्यर। इट विल बी टफ फॉर दिल्ली कैपिटल्स टू विन यहाँ से, क्योंकि धवन जो फॉर्म में थे वो तो अभी फॉर्म में थे पर विकेट हो गई। या KKR मस्ट विन मुकाबला, अगर हार गए तो भाई CSK के जैसे, अभी छोड़ो अभी मत बुलाओ मेरे को। इस बार उनका थोड़ा लक का भी मेरे को लग रहा है, अभी जो CSK के फैंस होगी वो तो ऐसे ही बोलेंगे भाई लक ऐसा है वैसा है, पर अभी जो है उसके साथ एक्सेप्ट करना है। नेक्स्ट ईयर देखेंगे CSK क्या कर पाती है। सुरेश रैना और हरभजन सिंह की कमी खली CSK में, ऐसा मेरे को लग रहा है। शाम की मैच में मेरा थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट है बिकॉज पंजाब एंड SRH दोनों को इक्वली मेहनत करनी पड़ेगी 4th पोजीशन के लिए। मेरे ग्रैंडफादर का नया फ़ोन आ चुका है फाइनली। पिछले 1-2 दिन में काफ़ी अनबॉक्सिंग कर दी मैंने। 128 GB वाला M21 Amazon ग्रेट इंडियन सेल। अगर आपको मोबाइल फोन्स चाहिए तो बेस्ट डील ऑन Amazon ग्रेट इंडियन सेल, और दूसरी सब चीज़ों में सेल चाहिए तो Flipkart बिग बिलियन डेज तो थे ही, पर अब तो चले गए तो अब आएंगे वापस दिवाली में, तो उसके लिए वेट करना। और ये भी कुछ HDFC कार्ड के साथ, कितने में, 15,000 नहीं, 15 भी नहीं, MRP कितनी है उससे मैं डिसाइड कर सकता हूँ कितने में होगा ये। 18,000 दिखा रहा है तो मेरे को लग रहा है इन अराउंड कुछ 12-13 के करीब पड़ा होगा ये। 11,500 में M21 थोड़ा आउटडेटेड है, बट दादा तो कोई भी चला लेते हैं वैसे। दादा के पास अभी जो है वो मेरी मॉम का है, मैंने दिखाया था आपको व्लॉग में। अब दादा के लिए तो मेड इन इंडिया वाला ही लेना था, उन्होंने तो पहले से डिसाइड कर रखा था कि भाई हमको मेड इन इंडिया फ़ोन लेना है, तो फिर ऑप्शंस है नहीं हमारे पास इतने। इन्फिनिक्स का हॉटस्टार N9 था, ये कंपनी जैसे ब्रांड हो जाएगी इंडिया में एक अच्छी पुख्ता सबूत के साथ, लोग मेरे को लग रहा है खरीदना शुरू कर देंगे। सैमसंग भी इंडिया में ही बना है ऐसा, तो मतलब पूरा तो इंडिया में नहीं बना है, असेंबल और कुछ कुछ चीज़ें इंडिया में बनी है, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मेड इन चाइना नहीं है ना खाली।
इट्स नेक्स्ट डे फॉर अस, तीसरे दिन में हम एंटर हो चुके हैं। और आज क्या है आपको पता है, आज का व्लॉग हम कल करेंगे, मतलब कल मतलब ये खत्म करके मैं वापस शुरू करूंगा। तीन दिन का मिक्सअप इसलिए हो रहा है क्योंकि मैं छोटे छोटे क्लिप्स शूट कर पा रहा हूँ दिन में इसी वजह से, बाकी पहले तो पूरे दिन का शूट करके फिर रखता था, एक दो दिन चला है ना। बस यही था आज का व्लॉग। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ऐसे तो मैं बोलता नहीं हूँ, लाइक का बटन दबा देना। यहाँ तक देख लिया है तो ऋषभ सिन्हा साइनिंग ऑफ फ्रॉम दिस व्लॉग। Goodbye, stay safe, bye-bye, stay healthy, stay fit, stay alert nowadays, and फाफड़ा जलेबी खाते रहना। पता है आज क्या है, मिलते हैं कल, bye-bye.